हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा, निशा फूड क्रस्ट में आप सबका स्वागत है। तो आज निशा की रसोई में बनाने जा रहे हैं बिहारी स्टाइल 5 मिनट में बनने वाला आलू का चोखा, जिसे आलू का भरता भी बोलते हैं। गर्मियों का मौसम आ गया है, ज़्यादा देर किचन में खड़ा नहीं हो जाता, इतना मतलब गर्मी है अब इस समय स्टार्ट हो गई है। तो कभी कभी अगर गर्मी में मन ना करे खाना बनाने का और सोचो कि क्या जल्दी से बन जाए, तो इस तरह से आप चोखा बना सकते हो आलू का। बहुत टेस्टी और बहुत ही चटपटा ये चोखा होता है, तो आप इसे रोटी पराठा या फिर दाल चावल के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू को 2 सीटी लगाकर बॉईल कर लिया है। तो इस तरह से इसके आलू हम आलू के छिलके उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स, कभी भी आलू का जब चोखा हम बनाते हैं तो आलू को फ्रेश उबाल कर लीजिएगा। फ्रिज में रखे हुए आलू से चोखा अगर बनाएंगे तो वो टेस्ट और टेक्सचर नहीं आएगा जो कि फ्रेश आलू के जो बॉईल होने के बाद आता है। तो यहाँ पर देखिए, सारे आलू को बॉईल करने के बाद मतलब छीलने के बाद उनको हम इस तरह से क्रश कर लेंगे। अभी हल्के हल्के गर्म हैं तो इस तरह से क्रश कर लेंगे, बहुत जल्दी क्रश हो जाएंगे। 2 सीटी में आलू बिल्कुल परफेक्ट पक जाते हैं। तो इस तरह से हम सारे आलू को क्रश कर लेंगे। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें, कोई भी मसाला नहीं होता, जो कि अच्छा होता है गर्मियों के लिए। ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें गर्मियों में खाने में पेट में जलन और गैस की प्रॉब्लम होती है, तो इससे बच सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए, आलू को क्रश करने के बाद मैंने 5-6 हरी मिर्च को कट कर लिए। तीखा अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कद्दूकस कर लिया है 2 बड़े टमाटरों को। आप चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं, ये इस तरह से छिलका आप निकाल भी सकते हैं या इसको साथ ही में मीस भी सकते हैं, मतलब मसल भी सकते हैं। तो आलू में जब चोखे में जब भी आप टमाटर डालें या फिर कद्दूकस करके या है चॉपर में चॉप करके डालें, जिसको बारीक हो जाता है ना इसका रस्सा जो बाहर आता है, बहुत टेस्टी इस तरह से चोखा बनकर रेडी होता है। तो 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर रसीले ले लिए हैं, एकदम पके हुए टमाटर लेने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर मैं लूंगी लहसुन, 8 से 10 कलियाँ हैं, छोटी कलियाँ हैं। इन्हें हमें इस तरह से क्रश कर लेना है, काट के नहीं डालेंगे। काट के डालने पे वो टेस्ट नहीं आएगा जो चोखे में आना चाहिए, बिल्कुल चटपटा टेस्टी सा आएगा जो चोखे में स्वाद, वो इस तरह से जब आप डालोगे लहसुन तो आएगा। कट के डालने पे इतना बढ़िया फ्लेवर नहीं आता, तो इस तरह से क्रश कर लेंगे फ्रेश, फिर उसके बाद डालेंगे। पेस्ट का यूज़ कभी मत करिएगा चोखे में, सब्जी में तो यूज़ होता है मगर आप चोखे में कभी मत करना। यहाँ 1 चम्मच लहसुन का क्रश करके डाल दिया पेस्ट, फिर उसके बाद इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है आधा नींबू, इसके स्वाद चोखे के स्वाद को चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे मैं आधा नींबू का रस डालूंगी। बहुत बढ़िया लगता है इस तरह से नींबू का रस आप डाल के देखिएगा, बहुत टेस्ट लगेगा। मतलब आप कुछ भी बनाओगे ना उसके आगे आपके हर कोई ये चोखा खाना पसंद करेगा और चट कर जाएगा। आप सोचिए, ये चोखा 3 लोग खाकर ख़त्म कर देंगे, इतना टेस्टी लगता है। अगर किसी चीज़ के साथ भी खा रहे हैं ना तो 3 लोग भी पूरा चोखा खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो सारी चीज़ों को पहले आपस में मिक्स कर लेते हैं अच्छे से हमें मिक्स करना है, क्योंकि नमक आराम अच्छे से पूरे उसमें मिक्स हो जाए चोखे में। बहुत सिंपल तरीका है मगर स्वाद इतना लाजवाब होगा इस चोखे का कि आप अगर एक बार इस तरह से बनाओगे तो बस उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो यहाँ पे देखिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने प्याज डाल देनी है। यहाँ पर मैं 2 प्याज को कट की थी, थोड़ी सी बचा लूँगी, बाद में डालूँगी अगर कम होगा, नहीं तो इतनी प्याज इसके लिए ठीक है। फिर इसका मेन इंग्रेडिएंट्स डालना है सरसों का तेल, 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डालना है, जिससे कि चोखे का स्वाद इतना लाजवाब हो जाएगा। बिना तेल डाले इसमें स्वाद इतना लाजवाब नहीं आएगा। तो आपको 4 से 5 चम्मच, अगर बहुत बढ़िया स्वाद चाहते हो तो 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल ज़रूर डालिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा मिक्स। और थोड़ा चटपटा बनाने के लिए यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी डालूंगी, इससे रंगत अच्छी आएगी और स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप यहाँ पे लाल मिर्च को छोड़ भी सकते हैं, मतलब तीखा बैलेंस कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जितना पसंद हो।
जब आप हरी मिक्स मिर्च जब ऐड कर लें उसके बाद सब चीज़ें ऐड करने के बाद ना चोखे को टेस्ट कर लें। अगर कम है मिर्च तो बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा है तो आप लाल मिर्च मत डालिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा चोखा बनकर रेडी है, आलू का भरता। आप इसे लिट्टी के साथ, जो बाटी लिट्टी होती है उसके साथ, दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, जिससे खाएंगे ना बस मज़ा आ जाएगा। बहुत स्वादिष्ट हमारा बिहारी स्टाइल आलू का चोखा बनकर रेडी है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है मगर स्वाद बहुत लाजवाब है। सिंपल है मगर कभी कभी कोई कोई टेक्निक इसमें ऐसी अपनानी चाहिए जिससे कि इसके स्वाद को बढ़ा देती हैं। तो हर कोई इसे बनाता है मगर हर बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड।